मनी मांजरा के नए थाना प्रभारी रामदयाल का स्वागत करके ऑल मनी मांजरा वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी ने उनका शहर की समस्या से अवगत करवाया। वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान एसएस परवाना, एडवाइजर प्रदीप बागरा, वाइस प्रधान रामभज शर्मा, सुभाष धीमान, महासचिव गुरबचन लाल सूद, कैशियर मंसूर अली झूलेलाल, सचिन मनीष कुमार, महासचिव अंकित अरोड़ा आदि ने पहले थाना प्रभारी को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और फिर मिठाई खिलाकर सबका मुंह मीठा करवाया। प्रधान एसएस परवाना ने कहा कि शहर के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस तरह के जाबाज और समाज सेवी थाना प्रभारी मनी मांजरा का अब प्रभार देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने शहर की समस्या से उनको अवगत करवाया और त्योहारों के दिनों में शहर के ओल्ड रोपड़ रोड पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए ओल्ड रोपड़ रोड पर इन दिनों 3-4 पुलिस कर्मचारियों को तैनात करने की मांग की, जिससे सड़क पर लगने वाले जाम को सुचारू किया जा सके, क्योंकि इस सड़क पर मनसा देवी चौराहे व समाधि गेट पर खड़े होने वाले ई रिक्शा वाहन और अन्य वाहनों को वहाँ खड़े होने ना दिया जाए, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल जाएगी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकें जी एसएचओ मनीमारा ज्वाइन करने का। अच्छा, त्योहारों के दिन आ रहे हैं तो क्या त्योहारों के लेके कोई तैयारी शुरू हो रही है, कुछ इंस्ट्रक्शंस? बेसिकली सर, हमारे डीसी साहब के ऑर्डर भी हैं और सभी को कल हमने ब्रीफ किया है। डीएसपी साहब थे, हमारे एसडीपीओ और तीनों थानों के जितने भी हमारे नॉमिनेट काउंसलर हैं प्लस अदर काउंसलर हैं और डेलीगेट्स ने सभी को बुला के ये रिक्वेस्ट और ब्रीफ करा है कि कैसे त्यौहार में लाइसेंस होना चाहिए, उसके क्या मेंटेनेंस है, क्या क्या प्रिकॉशन है। और उसके अलावा भी हमारी हेडक्वार्टर में भी डीजी साहब ने भी मीटिंग ली थी इसके बारे में, एंड वी आर गोइंग एंड कन्वेइंग टू एवरी सिटीजन एंड स्पेशली आई एम कन्वेइंग टू द बिजनेसमैन ऑफ पी एस मनी माजरा इवन ऑल पब्लिक इन्फॉर्मिंग कि इन त्योहारों में कैसे कैसे उन्होंने प्रिकॉशन प्लस कैसे ये समावेश का सारा प्रोग्राम जो है करवाना। एक सर, अपने यहाँ एक समावेश केंद्र खुला है लोगों की सहूलियत के लिए, इसमें हम क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? बेसिकली इसमें सब तरह की वेरिफिकेशन, जहाँ किसी को भी किसी के खिलाफ कोई ग्रज है, उसकी कंप्लेंट्स हैं, इसके लिए हमने एक अलग और सारा प्रोग्राम है चंडीगढ़ में, जिसको डीएसपी मैडम देखते हैं, एसएसपी साहब की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लीजिए, बच्चे ट्रेंड हैं, इनकी ड्रेसेस भी अलग से बनाई गई है। इनका जो प्रोसीजर है सिविलियन की तरह, सिविलियन में रहना और उनको कोई भी किसी तरह का भी कोई शक या डर ना रहे पुलिस की तरफ से, उसको पुलिस पब्लिक रिलेशन को क्लोज करने के लिए ये प्रोजेक्ट हर तरह की वेरिफिकेशन करेगा। चाहे आपने टेनेंट का कुछ करवाना है, पासपोर्ट का कुछ करवाना है, सर्विस वेरिफिकेशन है, या ऐसी सर हर तरह की फैसिलिटी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराएंगे। घर जाएंगे, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और ये टीम और इनका जो रूम है अलग से फिक्स किया गया, ये सारी पब्लिक को अलग से पसंद भी आ रहा है और एवरीबॉडी इज प्रेजिंग फॉर दैट। सर, आप समाज सेवा में बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, आपको एक अच्छे समाज सेवी की तरह से भी देखा जाता है, तो मनीमारा में भी उम्मीद है कि ऐसे काम चलते रहेंगे आगे? बेसिकली ड्यूरिंग माय ड्यूटी आई हैव टू एवरी पुलिसमैन हैव टू सर्व द सोसाइटी, वी आर द पब्लिक सर्वेंट, और इस समय मैं यही मेरा रहेगा कि सभी को पुलिस की तरफ से, हमारी ड्यूटी की तरफ से ऐसे सर्व किया जाए कि दे विल गेट कंटेंटमेंट एंड दे विल गेट सुकून एट देयर हार्ट। और आने वाले त्योहारों के लिए लेकर सर कुछ मनीमारा के लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? बस यही है कि अपना ध्यान रखें और सराउंडिंग का ध्यान रखें, अपने आप को सेफ करें, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली, जैसे रोड क्लियरेंस है या ट्रैफिक का है, पार्किंग का है, ऐसे सारे प्रोग्रामों को मद्देनजर रखें, अपना समझ के करें ताकि किसी को इनकन्वीनियंस ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।